But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये जो हम खास यहाँ पे राजा महाराजा के उनका स्वागत हुआ था और जो मंदिर के दौरान तो यहाँ हीरे और जवाहरात हुआ था तो आप सामने शीशे लगाने और यहाँ पे अगर एक और जगह है तो यहाँ पे अन्य कार्य यहाँ पे अगर मूर्ति है तो अच्छे से बताएँ एक तो बनाने पर एक दूसरे के लिए और यहाँ पे महंगे महंगे हीरे द्वारा जड़े हुए थे जो कि ब्रिटिश काल में यहाँ पे आगे चलते ही देखो पूरा का पूरा शीशे शीश महल भी बोल देते हैं इसको शीश महल भी बोल देते हैं इसको सामने आपको दिखाई दे रहा है जो कि यहाँ से बैठ कर पूरा आनंद लिया जा सकता है और उस ज़माने की एसी भी है इसके अंदर वो अभी तो नहीं दिखा सकते अंदर नहीं जाने देते बाकी जो सामने दिखाई दे रहा है वो था 12 रानियों का महल वो आपको मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगा अभी के लिए ये देखिए संगमरमर था उस टाइम सीमेंट नहीं होते थे यहाँ पे कुछ पेस्ट बनाए जाते थे गुड़ चावल और दाल वगैरह का तब इनकी वो होती थी सीमेंट और आगे देखेंगे हम जो रानियों का पालकी हुआ करती थी उनके मंदिर जब बारिश नहीं होती थी और उन्हें बारिश का आनंद लेना होता था तो वो कैसे लेते थे वो यहाँ पे एक झरने के द्वारा वो सब कुछ बनाया गया है जो मन में आता था उनका वो उसी टाइम ही कर लेते थे जैसे बारिश और जो आपको सामने दिखाई दे रहा है भुवन ये एक टैंक हुआ करता था पानी का और टैंक का कनेक्शन था इस फुहारे से जो कि बिना मोटर के चलते थे और उसी के प्रेशर के दबाव से ये फुहारे चलते थे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ अंदर जाके रानी की पालकी और हाथी दांत का गेट और जो बारिश तो होती नहीं थी राजस्थान में इतनी लेकिन वो बारिश का आनंद उसी टाइम लेते थे ये उस टाइम के तहखाने में करते थे और ये गैलरी वगैरह जहाँ से राजा निकलते थे आप एक फीलिंग ले सकते हो राजा महाराजा कैसे यहाँ से जा रहे हैं कैसे आ रहे हैं ये थोड़ा सा मार्बल है पीछे ऊपर और ये गैलरी आगे चल के मैं आपको कुछ ये उस टाइम का प्लास्टिक वाला हूँ बच्चे ये देखिए प्लास्टिक पेंट मिट्टी नहीं है ये संक को तेरा संक को आकर दिन संक उन पीस के ना उन का प्लास्टर आकर रहा है वहाँ से उसे प्लास्टिक पेंट नहीं आकर रहा लेकिन ये प्लास्टिक पेंट ये सन 1589 के करीब बनना स्टार्ट हुआ था जो 25 साल में तहखाने कुछ भी देख सकते हैं आप पता नहीं क्या गुप्त रास्ते हैं यहाँ कहाँ से कहाँ से निकलना कहाँ से जाना है कुछ नहीं पता यहाँ और आप कभी जाए तो वहाँ पे एक गाइड जरूर कर लीजिएगा क्योंकि बगैर गाइड के कुछ समझ नहीं आने वाला और ये देखिए जो रानी के लिए जो यहाँ पे होती थी पूरा देख लिया यहाँ पे बैठ के जो यहाँ पे से बना हुआ है आप ये देख लीजिए सुख मंदिर दीवाने खास में सुख मंदिर यानी ईसाई परिवार यहाँ पे मौज मस्ती किया करते थे ये देखिए यहाँ पे एक रानी हुआ करती थी जो कि जिसे पालकी इसी के अंदर बैठ के जो पालकी दिखाई दे रही इसी के अंदर बैठकर पूरे महल में उनकी दासियाँ लेकर उसको चलती थी तो अभी मैं आपको ये जो आप अंदर देख रहे हो यहीं पे वो आनंद लिया करते झूले वगैरह भी हुआ करते थे उनके यहीं पे सावन का महीना इंजॉय किया करते थे जो सामने आपको दिखाई दे रहा है वहाँ से ऊपर की तरफ से सैनिक पानी डालते थे और यहाँ से झरना बह के नीचे से जाकर सीधा गार्डन के अंदर और यहाँ से उसको एक मिनी मिनी खुशबू आती थी जिससे गार्डन के अंदर पानी चला जाता था तो यहीं से आनंद लेते थे पानी का बारिश का और ये वो गेट है जो हाथी दांत से बनाया गया था जो भी धीरे धीरे बाद में उखाड़ लिया लोगों ने फिर उसके बाद सरकार ने
my lady.